आओ ऑगी, तुम इस गड्ढे के अंदर क्यों घुसे हुए हो? हिचकाओ हे भाव भाई सही। मजे मजे के लिए कभी कभी चीजें होती रहती हैं। ओए पागल मत बन, बाहर आ जा। ठीक है भैया आता हूँ। मैं तो भैया ऐसे ही था एकदम। देखिए भैया मैं कितना छोटा लग रहा था ना। ओए मुन्ना तो छोटा तो भाई है ना, तुम उससे छोटा है ना। हाँ भैया उस तरह तो मैं छोटा ही हूँ। लेकिन भैया देखिए इस गड्ढे के अंदर घुसने में, देखिए भैया मैं एकदम से छोटा हो जाऊँगा। ओ ये मुन्ना क्या मजाक कर रहा है बकवास। हे देखिए भैया मैं और भी छोटा हो गया। ओ बकवास मत कर, बाहर आ जा चुपचाप, नहीं तोड़ दूंगा। हे भैया नहीं आऊँगा, क्या करेंगे। ओ मुन्ना 2.5 किलो का हाथ भूल गया क्या? नहीं भैया 2.5 किलो का हाथ नहीं भूला। चलिए भैया पहले अपने दोस्तों को शाउट आउट दे देते हैं ना, क्योंकि भैया बहुत दिनों से हम लोगों ने शाउट आउट नहीं दिए। ओ मुन्ना तब तो आज मजा आने वाला है। हाँ भैया मजा तो आएगा ही। चलिए भैया आज शुरुआत आप ही कर दीजिए। ओए अब मजा आएगा ना मुन्ना। ओ तो तुम लोग तो जानते हैं ना जय का एक ही शाउट आउट रहता है। आओ जय कभी कभी तो डायलॉग चेंज कर दिया कर हिचकियां। हाँ भैया ये डायलॉग पुराना हो गया, कभी तो चेंज कीजिए ना। ओए अब मैं क्या चेंज करूँ, अभी के लिए नहीं, अभी के लिए यही शाउट आउट है। और तो तुम लोग तो जानते हैं जय का एक ही शाउट आउट रहता है, वो भी तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो वाला शाउट आउट। और तो मेरी तरफ से सभी को तोड़ने फोड़ने वाला 2.5 किलो का शाउट आउट, तोड़ दो और फोड़ दो और भसड़बाजी तो मचा ही देते हो तुम लोग। और गाइस मेरी तरफ से सभी को बड़े वाला शाउट आउट और मेरी तरफ से ठक टिक्की वाला शाउट आउट हिचके हिचके। हे बॉब चलो शाउट आउट तो हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। ए भैया ये म्यूटेंट क्रीपर ना उतनी देर से पीछे पड़ा हुआ है। ओए मुन्ना हम लोगों को कोई अच्छा सा घर नहीं मिल रहा, इसीलिए पता नहीं हम लोग उतनी देर से भटक रहे हैं और ये म्यूटेंट हम लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। देख हम लोग के पास खाना भी कम पड़ गया। हाँ भैया लेकिन सामने एक गाँव है, वहीं पर चल के थोड़े दिन गुजारा करेंगे। ओए गांव में तो कितने दिन गुजारा कर लेगा, गांव वाले खुद ही मारे गए होंगे। ओए रुक जा तो, ओ ये क्या खुद ही टूट गया। आओ इससे पंगा लेना जैक बेकार है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो ये हम लोग की बार बार ठक टिक कर देगा हिचके। ओए ठक टिक ये क्या करेगा। ओए मुन्ना मेरी तलवार कहाँ चली गई, रुक जा अभी बताता हूँ। ओए आ जा नमूने, रुक जा इस बार मेरे पास शील्ड है, कहाँ चला गया। हे भैया सामने ही तो है। और सामने कहाँ, ये रहा, रुक जा आ जा नमूने अब तोड़ दूंगा। हे भैया शील्ड मत हटाइएगा। ओ तो शील्ड हटाऊं, ओ ये क्या बहुत डैमेज दे दिया। हे भैया अब हम लोग जाने वाले हैं। ओ ये पास ही आ गया, और रुक जा अभी तोड़ता हूँ। ये ले, वाह क्या बात है, खुद ही टूट गया बिल्ला, अच्छा है। आओ जैक तुम बहुत बड़े पागल हो, जब हम लोगों ने बोला था उस म्यूटेंट से पंगा मत लो, बहुत खतरनाक है, फिर भी तुम पंगा लेने चले जाते हो। तुम तो जानते हो ना हम लोग के पास ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ भैया बॉब ने एकदम बिल्कुल सही कहा, हम लोग के पास तो भैया आर्मर भी नहीं। ओ तब ये पीछे लगा हुआ तो मैं क्या करूं। हे भैया यहां से बेड तोड़िए और यहां से निकलते हैं हम लोग, गांव की ओर निकलते हैं, भैया कुछ तो मिलेगा ना विलेज की ओर। और बात तो सही कहे लेकिन पीछे नहीं छोड़ रहा मुन्ना। हे भैया पीछा भी नहीं छुड़ाना जानते। रुक जाइए भैया इसको पहले यहाँ तक लाने देते हैं। चलिए भैया घूम के, बस भैया बेड को आपको लेना है, अब हम लोग यहाँ से निकल चले गए। ओए नमूनो आज तुम लोग का टाइम है तो इसीलिए ज्यादा उछल रहे हो ना, जिस दिन मेरा टाइम आएगा उस दिन सभी को एक एक कर कर तोड़ दूंगा और फोड़ भी दूंगा। हे भैया लेकिन हम लोग का टाइम आएगा कब। ओए मुन्ना अपना टाइम आएगा। हे भैया अपना टाइम आएगा, कभी नहीं आएगा। हम लोग की भैया हर समय बैंड बज जाती है और भैया इसमें सबसे बड़ा हाथ आप ही का रहता है। ओए मुन्ना सबसे ज्यादा तोड़ता फोड़ता तो मैं ही हूँ। हे भैया आप तोड़ने फोड़ने के चक्कर में ही तो मरवा देते हैं। जब भैया कुछ चीजें दिमाग से की जाती हैं तो भैया आप उसको तोड़ने फोड़ने लगते हैं, इसीलिए भैया हम लोग मारे जाते हैं। ओए चल मुन्ना बहुत हो गया तेरा, अब देख भैया कमाल हो कुछ है कैश में, ये देख चेस्ट मिल गया। हाँ भैया चेस्ट तो मिल गया लेकिन हम लोग करेंगे क्या। चलिए भैया कम से कम ब्रेड ही मिल गया। आओ ब्रेड मिलेगा मतलब खाने का इंतजाम हो गया होगी। हाँ बॉब कम से कम थोड़ा थोड़ा खाने का इंतजाम हो गया। ए भैया ये देखिए सामने एक और नमूना, और तो रुक जाए इसको मैं तोड़ता हूँ। ओए आप बता मैंने दिमाग लगाया कि नहीं। हाँ भैया इस तरह को तोड़ना फोड़ना चाहिए, लेकिन भैया जब उनकी तादाद ज्यादा रहे तब भैया पीछे हटने में ही भलाई रहती है। हे भैया इस विलेजर से पूछते हैं कुछ जुगाड़ है क्या उसके पास। हे बताओ ना यार हम लोग इतने दिन से घूम रहे हैं। ओ ये क्या बताएगा नमूना। ओ इसमें नमूना नहीं हूँ, बहुत काम की चीज हूँ, अभी एक नंबर वाली। ओ तो बता जल्दी से। ओए बिल्ले तुम इस गांव में भी नहीं बच पाओगे, ओए मुझे पता है जल्दी से बता दे। ओए यहाँ से थोड़ी दूर बाद बिल्लो तुम लोग को एक घर मिलेगा जो कि माइनक्राफ्ट का सबसे सिक्योर हाउस है। ओए तो तू नीचे क्यों जा रहा है। हे भैया उसको छोड़िए ना। वैसे भैया माइनक्राफ्ट का सबसे सिक्योर हाउस ये कैसे हो सकता है। ओए हो सकता है, रुक जा अभी नमूने को तोड़ने दे फिर डिस्कशन करेंगे। इसकी तो टक टक मैं करता हूँ हिचके। ओए विलेजर देखा बच गया ना तू।
ओ तेरी, थैंक यू विल्ले, थैंक यू। क्या ओए मुन्ना, अब क्या बताए, इस गांव में तो बोल रहा है बच्ची नहीं पाएंगे। हाँ भैया बोल तो रहा था, लेकिन भैया ये भी बोल रहा था यहाँ से थोड़ी दूर बाद एक हाउस मिलेगा जो कि भैया माइनक्राफ्ट का सबसे सिक्योर हाउस रहेगा। पता नहीं भैया कैसा हाउस है, ओए अब देखना पड़ेगा मुन्ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, शायद भैया वो हाउस मिल ही जाए। ओए मुन्ना शाम भी होने लगी। हाँ भैया अब तो जॉम्बी का स्पॉन होने का समय होने लगा भैया। चलिए भैया जल्दी से आगे बढ़ते, नहीं तो बचेंगे भी नहीं। ओए ये कैसा हाउस है, नीचे गिरा दिया है भैया। पता नहीं कैसा हाउस बनाते हैं लोग, कम से कम भैया घर तो अच्छे से बना लिया करें। ओ तो जाके उनसे बोलना, मुझसे क्या बोल रहा है। ए भैया उनको ऐसे बोल रहा था। हे भैया वो सामने देखिए। ओए कहाँ सामने देखो, पहले मुझे लूट लूटने दे। हे भैया लूट बाद में लूटिएगा, पहले सामने देखिए। आओ जैक सचमुच सामने देखो। हे भैया ये ट्राइडेंट किसने मारा, पहले भैया सामने चलिए। ओए मुन्ना एक हाउस दिख रहा है। हाँ भैया कहीं ये वही हाउस तो नहीं जो कि भैया माइनक्राफ्ट का सबसे सिक्योर हाउस है। ओ लगता तो यही है, इसका ओनर कौन है। हे भैया ओनर तो बगली में है, ये देखिए भैया इसके ओनर लग रहे हैं। ओए ओनर तो ठीक है, लेकिन इस घर में ऐसी खास बात क्या है। ए भैया तो चल कर पता चलेगा ना। हम तो जाने से पहले ही मारे गए। ओए ये मुन्ना बहुत ये नमूने परेशान करते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया। ओनली एक कदम दूर था हमारे वो घर। हाँ भैया दूर तो था लेकिन मार दिया इन लोगों ने। बहुत बेकार होते हैं भैया ये लोग। और मुन्ना तू बोलता रहता है कि दिमाग से काम लो, दिमाग से इसमें क्या काम लो, इनको तोड़ने फोड़ने मुन्ना भलाई रहती है। लेकिन भैया हम लोगों के पास कुछ अच्छा होना भी तो चाहिए ना। ए भैया ये क्या मकड़ा था इधर। ओ चाहे मकड़ी हो चाहे मकड़ा हो, इनको तो मैं ही तोड़ूंगा। हे भैया अभी तोड़ने फोड़ने का कोई फायदा नहीं। हम लोग को भैया उस घर में जल्दी से जाना पड़ेगा। ऐसी क्या बात है भैया उस घर में जो कि उसको इतना सिक्योर बोला जाता है। चलिए भैया चलकर जल्दी से देखते हैं। ओ ये पीछे से मार देते हैं मुन्ना तो हम लोग क्या करें। हे भैया अब कर भी क्या सकते हैं। चलिए भैया वो रहा सामने, और वो देख सामने एक नमूना भी है। हाँ भैया अब नमूने का क्या। भैया ये क्या छुटकू आ गया। ओ यही मुन्ना ट्राइडेंट फेंक रहा था, वो देख साइड में। हाँ भैया आप जल्दी से घर में चलिए, कुछ नहीं कर पाएंगे लो। चलिए भैया इंटर करते हैं। ओ तो जल्दी से हम लोग घर के अंदर चलते हैं। ओ चल जल्दी से। ओ इधर कम से कम आयरन का डोर तो लगा हुआ है, अब नहीं आएंगे। ओ बाल बाल बच गए, नहीं तो ठक टिक्की हो जाती। और ठक टिक्की कैसे होती। ओए मुन्ना इस हाउस में ऐसी खासियत क्या है। हे भैया वो तो देखने में पता चलेगा ना। देखिए भैया भैया बच गए। ओए ये क्या मुन्ना मुझे डरा ही दिया। हे भैया एकदम अचानक सामने आ गए, लेकिन भैया ये देखिए अंदर नहीं आ पा रहे। और इधर बटन्स दिए हुए मुन्ना। हे भैया एंटी मॉब्स को देखिए भैया ऑन है। हे भैया ऑफ मत करिएगा। ओए ऑफ नहीं कर रहा, परेशान मत हो। ओए मुन्ना इसमें तो अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ भैया ऑप्शन तो दिए हुए हैं। इसको ऑन करिए ना भैया। ओए रुको जा ऑन करता हूँ। ओए ये क्या मुन्ना पूरे घर की तरफ देख कैसा हो गया। हाँ भैया पूरा घर तो एकदम कवर हो गया जालियों से। हे भैया कैसे। ए भैया वो देखिए मर भी रहे हैं। ओए करंट भी है क्या इनमें। हाँ भैया ये देखिए। हे भैया मुझे तो लगता है इसमें करंट है। आओ आगी हम लोग को भी इसको छूना नहीं चाहिए, नहीं तो हम लोग को तो करंट लग जाएगा और हम लोग की ठक टिकी हो जाएगी। ओए रुक जा ठक टिकी, डर मत रुक जा। ओए मुन्ना इसमें ये लेजर डोर का ऑप्शन है। हे भैया दबा के देखिए ये क्या भैया लेजर डोर भी आ गया। लेकिन भैया ये लेजर डोर काम करता होगा कि नहीं। ओए काम ही तो कर रहा है, तभी तो वो लोग मर रहे हैं ना। हाँ भैया मर तो रहे हैं, लेकिन भैया कैसे काम करता होगा। लेकिन भैया देखिए इनको लोग डैमेज हो रहा है, मतलब कि भैया ये सचमुच वर्ल्ड का सबसे सिक्योर हाउस है माइनक्राफ्ट में। ओए मुन्ना म्यूटेंट क्रीपर डिटेक्टर लिख रहा है, मतलब कि भैया ये जॉम्बियों को डिटेक्ट भी करता है। ओए मुझे भी लगता है। ओए ये तो मर गए मुन्ना। हाँ भैया मर तो गए, मतलब कि भैया दम था। ओए मुन्ना दम तो आई है। ओए वैसे करता क्या है लेजर। हे भैया अभी छोड़िए, नहीं तो हम लोग की भी बैंड बच जाएगी। सुबह देखेंगे। आओ बिल्कुल सही कहा होगी, शायद लेजर में ऐसा कुछ हो जो सबकी ठक टिके कर देता हो। हाँ बाप बिल्कुल सही कहा। देखा भैया आपने उस जॉम्बी को, एक बार में मर गया वो। ओए चल ठीक है सोते हैं फिर, और क्या। वैसे मुन्ना घर बढ़िया है। आओ आगी सुबह हो गई, जल्दी से उठ जाओ। हाँ बॉब सुबह तो हो गई। ओ ये पहले ही ये बॉब उठ जाता है। आओ जैक मैं तेरे जैसा आलसी नहीं हूँ, मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ और सुबह सुबह उठना अच्छा भी होता है। क्या है भैया ये क्या है। ओ ये मुझे मुन्ना वॉशरूम लग रहा है। हाँ भैया मुझे भी लग रहा है। चलिए भैया और रूम्स को देखते हैं, देखते हैं भैया और भी क्या क्या सिक्योरिटी दी गई है। ओ मुन्ना ये रूम तो एकदम कमाल का है। हाँ भैया रूम तो कमाल का लग रहा है। देखिए भैया ब्लू थीम दी गई है और पर्पल थीम है। हाँ भैया वही पर्पल थीम। देखिए भैया इधर कंप्यूटर भी है। और भैया ये देखिए ये तो और भी कमाल का है भैया।
ओए कमाल का तो है, लेकिन मुन्ना घर के अगल बगल देख पूरी सीलिंग लगी हुई है। हाँ भैया पूरा एकदम लोहे से सीलिंग लगी हुई है, मतलब कि भैया इन सब में इलेक्ट्रिसिटी भी दौड़ रही है। ओए बात तो सही कही, तभी तो सारे मॉब मर जा रहे हैं। हाँ भैया चलिए इसको अभी चेक करते हैं, पहले भैया देख लेते हैं। हे भैया देखिए इधर आर्मर भी दिया हुआ है, ओ दिख रहा है मुन्ना मुझे आर्मर, ओ ले ले क्या? हाँ भैया ले लेते हैं ना। चलिए भैया, ए भैया देखे तलवार भी मिल गई, हमारी जो तलवार खो गई थी मिल गई भैया। ओए मुन्ना इधर तो आर्मर भी बहुत सारे हो, भी नेदरराइट वाला आर्मर है। हे भैया तो पहन लेते हैं ना, हम लोग का क्या जाता है, फ्री में मिल रहा है। ओ तो रुक जा फिर पहनते हैं और क्या, जल्दी पहनिए भैया फिर बाहर चलते हैं। और रुक जा मुन्ना पहन लेता हूँ पैंट भी। है भैया एक तो ये बार बारिश हो रही है, दिमाग खराब कर रही है। हे भैया कैसा लग रहा हूँ, कमाल का लग रहा हूँ ना। और अब नेदरराइट का आर्मर पहनेगा कोई भी कमाल का लगेगा मुन्ना। हाँ भैया वो तो है। अब तो भैया हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो गए, चल बाहर चलते हैं थोड़ा सा और सिक्योरिटी वगैरह चेक करते हैं। हाँ भैया चलिए ना। ओ मुन्ना और भी देखते हैं कितने सिक्योरिटी सिस्टम दिए गए हैं। हाँ भैया वो तो चेक करना बनता ही है। ये तो भैया कौन सा है, ये तो भैया लेजर डोर है, इसको समझ गए। और भी भैया देखते हैं, ओ ये तो वही जेल वाला है। हाँ भैया ये तो वही है। हे भैया इस लेजर को चेक करें क्या, ओ तो चेक करते हैं ना। हे भैया डरे भैया, ये क्या सचमुच डैमेज दे रहा है। ओए मुन्ना तो बहुत भयानक डैमेज दे रहा है, आओ ये तो ठक टिकी भी कर रहा है हिचका, और ठक टिकी तो करेगा ही, लेजर भी नहीं है। हे भैया ए भैया ये देखिए जॉम्बी अचानक से आ गया, आओ इसके तो अब ठक टिकी हो जाएगी, और ठक टिकी हो रही है और क्या। हाँ भैया तो कमाल की लेजर है, देखिए भैया मार रही है इसको। और मुन्ना इसकी तलवार देख, डायमंड की तलवार लेकर आया है। हाँ भैया जब मरेगा ना तलवार भी ले लेंगे इसकी। ओए मर जाना जल्दी से, कितना समय लगेगा। हे भैया इनकी हेल्थ बहुत होती है, जानते थे ना। ओए वो तो जानता हूँ, ओए लेकिन मुन्ना बहुत कमाल का घर है ये। हाँ भैया विद बहुत सारे सिक्योरिटी सिस्टम। ये क्या भैया फिर से क्रीपर डिटेक्टेड, और ये क्रीपर है कहाँ डिटेक्टेड डिटेक्टेड दे रहा है। हे भैया होगा ना, चलिए भैया इसका सामान लेते हैं। ओए संभाल के मुन्ना बहुत डैमेज होता है। हाँ भैया डैमेज तो होता है, ये कौन सा सिस्टम है भैया, ये क्या भैया बेडरॉक में पूरा घर कन्वर्ट हो गया। ओए मुन्ना यही तो कमाल की बात है, ओए ये तो और भी सिक्योर हो गया। हाँ भैया पूरा घर ही बेडरॉक में कन्वर्ट हो गया। भैया कमाल कमाल के सिक्योरिटी सिस्टम दिए हैं, अब तो मानना पड़ेगा भैया। ओए मानना क्या, ये देख मुन्ना एक एक चीज बेडरॉक में कन्वर्ट हो गई। हाँ भैया घर का सामान ऐसे ही है, लेकिन भैया और भी चीजें देखिए पूरी बेडरॉक की दीवारें। ओए मुन्ना ये तो और भी मजबूत हो गया। हाँ भैया इसको तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। ओ तोड़ क्या, इसको कोई टच भी नहीं कर सकता मुन्ना, क्योंकि लेजर भी लगी हुई है। आओ आगे क्यों ना हम और भी सिक्योरिटी सिस्टम चेक करें। ओ ये कहे का बटन है, दबाइए तो भैया। ओए रुक जा, ओ ये क्या, ओ ये मुझे गैराज टाइप का लग रहा है, देखो आगे ये खुल भी जाता है, इसमें हम लोग अपनी गाड़ी वगैरह रख सकते हैं। ओ तो गाड़ियां हमारे पास है कहाँ, लेकिन भैया फिर भी देखिए ना कितनी कमाल की सिक्योरिटी, कितना कमाल का पूरा घर बना है भैया। हे भैया इस घर को बनाने में तो बहुत दिमाग लगा होगा, ओए ओनर भी तो कमाल का है ना। और भी चल चेक करते हैं, ओ ये लावा वाला कौन सा है, देखिए ना भैया दबा के। ओए मुन्ना कहीं हमारे ऊपर लावा ना गिर जाए। हे भैया कैसी बात करते हैं, रुक जाइए मैं दबाता हूँ। ओ जैक तुम बहुत डरते हो। हे भैया ये देखिए चारों तरफ भैया हमारे घर के लावा ही लावा। ओ ये तो और भी कमाल का है मुन्ना, कोई भी जॉम्बी अंदर नहीं आ सकता। हाँ भैया वो तो बाहर ही जलकर मर जाएगा। ओए क्या कमाल कमाल के सिस्टम दिए हो मुन्ना, बहुत दिमाग लगा है। हाँ भैया ये तो बात है ही है। देखते हैं भैया और भी है क्या, और रुक जाए इस, ओ ये क्या लावा चला गया मुन्ना। है भैया आपने ऑफ कर दिया। ओ ये तो जेल वाला है। हाँ भैया ये देखिए पूरा जेल में ही। ओए मुन्ना इसमें इलेक्ट्रिसिटी सचमुच दौड़ती होगी क्या। है भैया कहीं आप चेक तो नहीं करने वाले। ओ मैं चेक करने वाला हूँ, रुक जा। है भैया चिपक कर रह जाएंगे, और ये क्या मुन्ना सचमुच चिपक गया है। भैया कूद कर भाग गया है, बच गए भैया, नहीं तो चिपक ही जाते। क्योंकि भैया इलेक्ट्रिसिटी चिपका ले जाती है। ओ ये तो बहुत खतरनाक वाला था मुन्ना, लेकिन कमाल का था। हाँ भैया घर तो एकदम भैया हम लोग को बहुत ओपी मिल गया है। भैया उस विलेजर ने तो एकदम सही बोला था। ओए मुझे तो पहले विश्वास ही नहीं हो रहा था, ये तो एंटी मॉब है, इसको भी ऑन करते हैं। ओए मुन्ना कुछ नमूनों को बाहर से लेकर आए क्या। हे भैया कैसी बात करते हैं। ओ लेकर आते हैं ना, उनको मारते हैं, कम से कम कुछ घर का फायदा उठाया जाए ना। हे भैया लेकिन इसमें खतरा बहुत है। ओए रुक जा, किसी नमूने का ढूंढते हैं। ओए कहाँ चले गए सब लोग, सभी लोग मर गए क्या। ओए मुन्ना इस घर ही से डर गए होंगे। हे भैया घर से नहीं डरे होंगे, अभी सुबह है ना इसीलिए स्पॉन नहीं होंगे।
ओए ये देख सामने, ओए आजा क्रीपर। हे भैया इसी को बुलाना था क्या आपको? ओए मुन्ना कुछ नहीं होगा, ये सब सिक्योरिटी हाउस के सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाएंगे। हे भैया फिर भी बहुत खतरा है। ओ जैक ये बहुत बड़ी पागलपंती है, ये क्रीपर है और जहाँ फटेगा वहाँ जगह की टक टिकी कर देगा। ओए कुछ नहीं टक टिकी होगी, ओए लाव वाला ऑन कर दे मुन्ना। हे भैया लेकिन ये खतरा बहुत है। ओए तू हट जा, मुझे ऑन करने दे, एंटी मॉप तो ऑन ही है। ओए लावा वाला कहाँ चला गया, पास आ रहा है वो। ओए आ जा क्रीपर। हे भैया, अरे भैया ये क्या, ये तो उड़ गया। ओए ये उड़ उड़ कैसे गया? ओए ये क्या हवा में कैसे उड़ रहा है ये? हे भैया नीचे आके फट भी गया। वाह क्या बात है, और ला लो क्रीपर को, अच्छा है। आओ जैक तुझे हो गई तसल्ली, पूरे घर की ठक ठक करवा दी। और घर की ठक ठक नहीं हुई है, बेडरॉक से बना है। हे भैया लेकिन ये देखिए सिस्टम काम करना, सब घर के बंद कर दिए। देखिए भैया बाहर लावा भी फैलने लगा। ओ ये क्या, हे भैया सब आप गड़बड़ कर देते हैं। पता नहीं भैया, मैंने बोला था ना क्रीपर को मत बुलाइए, वो भैया फट जाता है। और भैया आपने देखा ना, वो तो एकदम हवा में उड़ कर फटा। और मुन्ना लगता है लाइटर पहन के आया था। हे भैया कैसी बातें करते हैं। भैया वो म्यूटेंट क्रीपर है, कम से कम भैया उसके पास तो स्पेशल पावर होती हैं, क्योंकि भैया ये म्यूटेंट्स है, कोई भैया आम जॉम्बी नहीं है। ओए मुन्ना लेकिन अब कर क्या सकते हैं। हे भैया करना क्या, घर के अंदर चलिए और क्या, वहीं पर सेफ रह सकते हैं, नहीं तो भैया घर के बाहर की सिक्योरिटी तो टूट गई है। चलिए भैया घर के अंदर चलते हैं, बाद में भैया इसकी रिपेयरिंग का काम भी चालू कर देंगे। ओए अभी के लिए मुन्ना तूने बिल्कुल सही कहा है, घर ही में सेफ रह सकते हैं हम लोग। आओ बिल्कुल सही कहा, हम लोग घर ही में खाना खाते हैं और थोड़े दिन के लिए यहीं पर रहते हैं और घर को भी रिपेयर करते हैं, हिचके आओ। चलो गाइस आज के लिए इतना ही। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको सिक्योरिटी हाउस कैसा लगा। और मुन्ना मुझे तो एक नंबर लगा है भैया, आपसे नहीं पूछा। आपने तो भैया गड़बड़ी कर दी, लेकिन गाइस आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और सभी प्यारे दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटे की टक टक कर दीजिएगा, हिचके आओ। और तो और इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड सर्वर भी जरूर ज्वाइन करिएगा। ओए